जो मुश्किल है थोड़े से, इसलिए कि मुश्किल हमारे लिए भी है और हमारे सुनने वालों के लिए भी। एक तो ये कि एहतजाजी शायरी, एहतजाजी शायरी अब जो हमारे अब जो मौजूदा अहद में जो उसके माने हैं वो ये हैं कि वो शायरी जो हुकूमत से या रियासत की कुव्वतों के मुकाबले में खड़े होकर इंसाफ चाहे, आज़ादी चाहे और अमन चाहे, जो शायर या जो लिखने वाला तख्लीकार इस तरह का लिखता है वो गोया कहा जाता है कि ये एहतजाजी अदब लिख रहा है या एहतजाजी शायरी कर रहा है। इस हवाले से भी हम हसरत मोहानी को अभी देखेंगे। दूसरा, उनको जो दो अलकाब मिले वो बहुत बड़े हैं, रईसुल मुतग़ज़लीन कहा गया उनको, बड़े अहद में बहुत बड़े लोग थे उस जमाने। इसके बाद ये होते हैं कि ग़ज़ल का बहुत बड़ा शायर मुतग़ज़लीन, यानी तग़ज़ुल जिसमें शायरी की रूह जो है वो धड़क रही हो, एक ऐसा शख्स की शायरी जो मुकम्मल तौर पर शायरी को भी जानता है और अपनी रिवायत और अपनी तहजीब से जुड़ कर उसका इजहार करता है। तो रईसुल मुतग़ज़लीन उन्हें कहा गया, किसी और को उनके अहद में नहीं कहा गया। दूसरा दर्जा रईसुल एहरार, वो शख्स जो हुर्रियत के लिए, आज़ादी के लिए, अमन के लिए लड़ता है, चाहे वो जिस्मानी अमली तौर पर लड़े या तख्लीकी तौर पर, हम उसको उस अहद का सबसे बड़ा आदमी हसरत मोहानी था, लिहाजा उसे रईसुल एहरार कहा गया, जिसने सबसे ज़्यादा बड़ी जंग अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी तहरीरों से लड़ी। ये तीन दस्ते जो मैं मेरे तहरीर में आएंगे, इसलिए मैंने कहा कि मैं उसकी वजाहत कर दूँ ताकि कोई मुश्किल। अब मैं तीन पैराग्राफ उसके पढ़ता हूँ। अपने अहद की नुमाइंदा शख्सियत, 20वीं सदी की इब्तदाई निसफ सदी तक और पाकिस्तान की तकरीब तक पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों बड़े शायर मौजूद थे, जिनमें शिवली, इकबाल, जोश फराक, यगाना, असर लखनवी, सीमा बकबरबादी, जिगर हफीज, फैज अली, सरदार जाफरी, साहिब जानवी, मजार लखनवी और मजरू सुल्तानपुरी की शिरकत बड़ी अहमियत रखती थी। इन हसरत मोहानी का अपनी इंफरादियत और अपनी पूरी अहमियत के साथ वजूद में आ जाना कुछ कम नहीं था। हसरत मोहानी अपने अजीम तख्लीकी अहद में रईसुल मुतग़ज़लीन और रईसुल एहरार के साथ नक़ाद भी थे, सहाफ़ी भी थे और बड़े सियासतदानों में उनका शुमार किया जाता था। हसरत मोहानी ने तख्लीकार की हैसियत से आज़ादी की जितनी बड़ी जंग अफरंगियों से लड़ी है किसी दूसरे ने ऐसी जंग नहीं लड़ी। हसरत मोहानी अपने अजीम अहद की बेहतरीन नुमाइंदा शख्सियत थे, जभी तो शिवली नुमानी ने उनसे बात करते हुए कहा था कि हसरत तुम आदमी नहीं हो, जिन मेरा पहला था। दूसरा पैराग्राफ देखिए कि रईसुल मुतग़ज़लीन हसरत मोहानी, अब उनकी गज़ल जो शायरी है उसके बारे में बहुत इख्तिसार से बात कर रहा हूँ। 20वीं सदी के इब्तदाई 50 वर्षों के दरमियान जिन चंद शायरों ने गज़ल को नई जिंदगी दी, उनमें हसरत मोहानी को रईसुल मुतग़ज़लीन के अजीम लक़ब से नवाजा गया। हसरत मोहानी ने अपने अहद की गज़ल को तख्लीकी जमालियात और तहजीबी तजुर्बों की गज़ल बना दिया। हसरत मोहानी की गज़ल में अनगिनत ख्वाहिशें और बेशुमार ख्वाब इस अंदाज में इजहार पा गए हैं कि जिंदगी के दरमियान इंसानी जिस्मो जान के सच्चे और गहरे रबते शायरी की तमशीलें बन गए हैं। हसरत मोहानी कहते हैं, गजल उसमें चिड़ी मुझे साथ देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना, न खामोश रहना मेरे हम सफीरो, जब आवाज दूं तुम भी आवाज देना, जब आवाज दूं तुम भी आवाज देना। हसरत मोहानी की गजल में उस खैर मोहब्बत इस तरह हम आमेज हुए हैं कि एक खूबसूरत चेहरा बन गए हैं, ऐसा खूबसूरत चेहरा जो एहसास के आईनों में चमकने का हुनर पैदा कर लेता है। हसरत मोहानी ने अपने अहद की तख्लीकी जमालियात को नए और ताज़ा इश्तिहारों की गजल बनाया है। वो कहते हैं, रोशन जमाल यार से है अनयुमन तमाम, रोशन जमाल यार से है अनयुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम, दहका हुआ। और ये शेर देखिए कि अल्लाह रे जिसमें यार की खूबी के खुद ब खुद
रंगीनियों में डूब गया पैरान तक, रंगीनियों में डूब गया पैरान तक। हसरत मोहानी ने खुशी की कैसी खूबसूरत और मुनफरद तस्वीर अपनी गजल में उतार कर हमारे सामने रख दी। हसरत मोहानी नक्काद भी थे और सहाफ़ी भी थे, इसलिए उन्हें शायरी के तमाम असालीब का इल्म भी था और वो अपने पसंदीदा असालीब को इजहार में ला सकते थे। शायरी मुमतना शायरी का एक बहुत अहम और बहुत मुश्किल उसलूब है, जिसमें आसान लफ्ज़ों की तरतीब से मिसरों को इस तरह लिखा जाता है कि अगर उनकी नसर बनाई जाए तो वही बनेगी जो उन्होंने मिसरों में लिखी है। यानी शायरी मुमतना के शेरों में फाइल फेल सिफत और मफूल सब अपनी अपनी जगह होते हैं, उन्हें आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ हसरत मोहानी के दो शेर पेश कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है, वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है, और चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह मुद्दतें गुजरी परत तक वो ठिकाना याद है। इसमें हमारी तहजीबी झलकियाँ, हमारी रिवायत और हमारा वो पसमंदर सारा जो हम 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले गुजारा है। मैंने आपके सामने नहायत इख्तिसार के साथ रईस المتغزلین हसरत मोहानी की तख्लीकी जमालियात की गजल के चंद मिसालों के साथ उनके मुनफरद तगज़ुल को इजहार में लाने की कोशिश की, और मैं अपने एतबार के साथ कह सकता हूँ कि मैंने आप ख़वातीन व हज़रात को मायूस नहीं किया। इतने कम वक्त में किसी भी बात को तफसील से नहीं किया जा सकता। हकीकत है कि हसरत मोहानी रईस المتغزلین थे, गजल की तारीख में अपनी इंफरादियत के साथ जिंदा थे और जिंदा रहेंगे। ये तो दो पैराग्राफ। अब ये आखिरी पैराग्राफ मेरा महज करता हूँ, जो बहुत अहम है, जिसे मैं और अपने रहीम भाई ने भी लिखा और आपने भी। ये सबसे अहम उनकी ज़िंदगी का तख्लीकी जो अहमियत है और तख्लीकी इंफरादियत जो है, हसरत मोहानी की दूसरा कोई शायर यहाँ से वहाँ तक पूरी हमारी शायरी की तारीख में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कुव्वत से, जो 200 वर्ष से हम पर खादिम थी, उसके मुकाबले में खड़े होकर बात की हो, कोई दूसरा शायर इस तरह का नहीं है। तरक्की पसंद तहरीक बहुत बड़ी तहरीक है, लेकिन ये बहुत बात की तहरीक है। मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि हसरत पहले आदमी है जिन्होंने अफरंगियों की हाकमियत के खिलाफ अपने को आज़ाद कराना चाहा, अपने मुल्क की आज़ादी चाही। 1757 की जंग पिलासी से 1857 की जंग आज़ादी तक और फिर उसके बाद 1947 की तख़लीक पाकिस्तान तक गैर मुनकसम हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी सियासी और समाजी तहजीबी और इल्मी अदबी तहरीकत पैदा होती रहीं जिनके पस मंज़र में अफरंगी आमरियत और उनकी सरकारी हुकूमती जंजीरों को तोड़कर आज़ाद मौसमों के ख्वाबों की जद्दोजहद चमक रही थी। तरक्की पसंद तहरीक ने आज़ादी के आखिरी मरहलों में एहतजाजी और मज़ामती अदब का एक अहम लश्कर तशकील दे डाला था, जिसने एक तरफ तो गैर मुतवाजन सियासी और समाजी रवैयों को सारी ज़िंदगी का हुनर बनाने पर जोर दिया, तो दूसरी तरफ अफरंगियों के आमरियत से लिखी हुई तकवीम को नोच कर फेंक डाला। लेकिन इस मरहले पर मैं एक बहुत अहम सच्चाई की संत इशारा करना चाहता हूँ कि तरक्की पसंद तहरीक के आगाज से कोई 30 बरस पहले एहतजाजी और मज़ामती अदब का बाकायदा हरफ आगाज उस शायर ने और उस शख्सियत ने लिख दिया था जिसे रईस المتغزلین और रईस الاحرار जैसे अहम तरीन अलकाबाज से पुकारा जाता है, और गजल के एजा करने वाले अनासर में उनके नाम को नुमाया हैसियत हासिल। हसरत मोहानी 20वीं सदी की इल्मी और अदबी सियासी और समाजी सकाफती और तहजीबी तारीख साजी की एक बड़ी अलामत है। वो ऐसे मज़ामती और एहतजाजी शायर हैं जो तरक्की पसंद तहरीक से पहले ही हिंदुस्तान की आज़ादी के इनकलाबी नुमाइंदा बन चुके थे। हसरत मोहानी ने कहा था कि हम कौर के सादिक हैं, अगर जान भी जाती
वल्ला कभी खिदमत अंग्रेज ना करते, वल्ला कभी खिदमत अंग्रेज ना करते। और ये बात हसरत की पूरी जिंदगी से हम अहम नजर आती है। हसरत उर्दू के वो पहले शायर हैं जिन्होंने गुलामी से आज़ादी तक के सफर में साम्राज्यत आमरियत और गुलामी के जबर से टकरा कर आज़ाद ख्वाबों और सच्ची ख्वाहिशों की एक जिंदा रिवायत कायम की। मुझे इस तहरीर में हसरत मोहानी की उस शायरी का मुताला इख्तिसार के साथ करना है जो ग़ज़ल की सूरत में गुलाम वतन की आज़ादियों और साम्राज्य कुव्वतों से टकराने को हमारे सामने लाती है। उर्दू शायरी में हसरत का ये लहजा, ये जुरत और ये उसलूब इसलिए भी अहम है कि इस बागियाना शायरी के असरात मौजूदा नस्ल के लिखने वालों तक दिखाई दे रहे हैं। गुलामी से आज़ादी तक पहुँचने की इब्तिदा उर्दू शायरी में हसरत से चलकर इकबाल, जोश, अली सरदार जाफरी, साहिब जानवी, मजार गजनवी, मखदूम मुहीउद्दीन, मजरू सुल्तानपुरी और फैज अहमद फैज की आवाज़ बनकर हमारे अहद तक आई। अल्लामा इकबाल जब हिंदुस्तान में शायरी को तर्क करने का सोच रहे थे, तवज्जो चाहता हूँ, अल्लामा इकबाल जब हिंदुस्तान में शायरी को तर्क करने का सोच रहे थे उस वक्त हसरत मोहानी के बागियों में, हसरत मोहानी का शुमार हुकूमत के बागियों में शुमार हो रहा था। 1908 में हसरत ने अपने रिसाले उर्दू मॉडला में एक मजमून छापा जिसका उन्वान मिस्र में अंग्रेज़ों की पॉलिसी था। इस मजमून पर उनको पूरे तौर पर बागी करार दे दिया गया। अलीगढ़ के मजिस्ट्रेट ने 1.5 साल की कैद बामशक्कत और 500 रुपये जुर्माना करके उन्हें जेल भेज दिया। मशक्कत के तौर पर उन्हें रोज़ाना 1 मन गल्ला चक्की में पीसना पड़ता था और अगर उसमें से कुछ कम पड़ जाता तो उनके नंगे बदन पर 5 बेड 1 शेर के हिसाब से लगाए जाते। ये है हसरत मोहानी, यहाँ पहचानिए इसको कि कितना अजीम शख्स आज़ादी के जहाद से लड़ा। सजा लगाए जुर्माना वसूल करने के सिलसिले में हसरत का बहुत ही नायाब कुतुबखाना चंद रुपयों में फरोख्त कर दिया गया। ये कुतुबखाना कई हज़ार नादिर किताबें और बहुत सी फिल्मी नुस्खे रखता था। हसरत को अपनी कैद से ज़्यादा अपने जिस्मानी दुखों से ज़्यादा कुतुबखाने का दुख हुआ, मगर वो तमाम हादसों को एक बहादुर और बामकसद इंसान की तरह उठाते रहे। मायूसी की कोई परछाई और थकन का कोई लम्हा उनकी ज़िंदगी में देखा नहीं गया और ना उनकी शायरी में नज़र आया। उन्होंने कहा, दुश्मन के मिटाने से मिटा हूँ ना मिटूँगा, दुश्मन के मिटाने से मिटा हूँ ना मिटूँगा, वैसे तो मैं फानी हूँ फना मेरे लिए है, वैसे तो मैं फानी हूँ फना मेरे लिए है। अपनी कैद के बारे में चंद शेर देखिए, इनसे जाहिर है कि वो बड़े बड़े अजाब को किस तरह जुरतों के साथ गुजार रहे थे। जिस्म की तकलीफ तेरे शौक में आज़ादी के, जिस्म की तकलीफ तेरे शौक में मेरे लिए राहत जाँ हो गई, मेरे लिए राहत जाँ हो गई। और सही अहबाब को नाहक है रिहाई का ख्याल, क्यों मुझे दोस्त मेरे चाहते कि खैर मैं आज़ाद हो जाऊँ, और ही कुछ है तमन्ना तेरे जिंदानी की। ऐ मेरे दोस्तों, मेरी तमन्ना तो कुछ और ही है कि मैं इसी रास्ते पर अपनी जान को हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए दे दूँ। सही अहबाब को नाहक है रिहाई का ख्याल, और ही कुछ है तमन्ना तेरे जिंदानी की, है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी बढ़ चढ़ा जोशे आरज़ू, हसरत खत्म होने को आई कैद फिरंग, खत्म आने को आई कैद फिरंग, हसरत की ये कैद ये फिरंग खत्म तो हुई लेकिन 1916 में फिर सेफ्टी एक्ट के तहत 2 साल के लिए कैद कर दिए गए और 22 में बम्बई की हुकूमत ने बगावत का मुकदमा कायम करके 2 साल के लिए फिर जेल में डाल। हसरत की कैदें हमारे ज़माने के सियासी कैदों से बहुत मुख्तलिफ थी, उन्हें तो उनकी वो ऐनक भी नहीं दी जाती थी जिसे लगा कर वो दिखने पढ़ने का काम कर सके, दिखने पढ़ने का काम कर सके। हसरत मोहानी किसी हाल में भी अपने मकसद को नज़रअंदाज नहीं करते, वो जुल्म से कभी नहीं डरे, वो जानते थे कि आज़ादी इंसान का हक है, हक है। वो दो बार बार कैद में डाले जाते मगर कभी अपने एतमाद को, अपने खलूस को, अपने आज़ाद जज्बों को कम होने नहीं देते। वो लोमड़ियों की मुनाफत को जरूर समझते, वो कहीं भी साम्राज्य
فرنگیوں سے کرم کی بھیک نہیں مانگتے بلکہ وہ اس قید و بند میں کچھ اور سر بلند نظر آتے اور کہتے بیکار ڈراتے ہو مجھے قید ستم سے, بیکار ڈراتے ہو مجھے قید ستم سے, وہاں روح وفا اور بھی آزاد رہے گی, وہاں روح وفا اور بھی آزاد رہے گی. چنائی نے شاہوں کے تکبر سے, شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں, کس بارگہ خاص کا آخر ہوں گدا میں, کہی تھی جانساری کی جو حسرت وہ بارے کر کے بھی ہم نے دکھا دی. حسرت جب دیکھتے ہیں کہ فرنگیوں کی فریب کاریاں اور ان کے ظلم نہیں رکتے تو وہ اپنے باغیانہ جذبوں کو اور شدید کر دیتے, وہ مصلحتوں کے سارے حساب توڑ کر غلامی کی زنجیریں کاٹنے کے لیے سچائی کی تیز دھار بن کر بڑھتے ہیں, حریت کامل کی قسم کھا کر اٹھے ہیں, حریت کامل کی قسم کھا کر اٹھے ہیں, افسائے برٹش کی, افسائے برٹش کی طرف جائیں گے کیا ہم. افرنگی سامراجیت کے خلاف صاحب حسرت مہانی کا یہ باغیانہ جذبہ اور سچی جرت ان کے فن اور ان کی شاعری کا اہم محور تھا جو ان کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ بن گیا تھا. انہوں نے لکھا ہار ہوئی آخر کار آپ کی, انگریز کو مخاطب کر کے ہار ہوئی آخر کار آپ کی, بازی گیا جی غلام آپ کا.